मक्खी। खबरदार, अब आज की तो चाकू उतार दूंगा। डाई कही दे यारा नहीं, तुम चाकू के आदमी कौन? तुम डाकू मान सिंह। अयो डाकू मान सिंह, ये तो बहुत बड़ा डाकू थी। जय डाकू सर, देखो साहब हमारा नाम सपाचट, मेरा जेब भी सपाचट, मेरे पास कहीं की वस्त्र। पुलिस मेरे पीछे लगी है, जल्दी से मेरी दाढ़ी बाल सब कुछ सफा कर दो ताकि पुलिस मुझे पहचान ना सके। आप जो बोलता मैं साफ करता। अयो 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 बोलो साहब। अयो नहीं बैठो साहब, भूल गया साहब बैठो। एक मिनट अया ये क्या जी, ये चाकू उधर करेगा तो मेरा हाथ रोकेगा ना। हो गया सपाचट सर, एक मिनट। ये सैलून तुम्हारा है? नहीं तो क्या आपका है हवलदार? व्हाट, आई एम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। करेक्ट, जो मैं कहता हूँ उसका जवाब दो तुम। हम सवाल नहीं करता साहब, हम तो खाली जवाब देता। आप पूछो। हम पूछो? हाँ। तुम्हारा नाम सपाचट है? मैं तो क्या हमारे बाप का नाम सपाचट है। 913। यस सर। इसको फोटो बताओ इसको। सपाचट चट, तुमने इस आदमी को देते थे, देखा है? हमने कुछ और देखा जी। साहब आप हिलना नहीं साहब, हमें तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या नीचे लटकता साहब आपका? मुच्छ के नीचे बड़ा बाल ही है ये। साहब देखो मुच्छ को बैलेंस करना मांगता। आप पुलिस वाला ना, आप मेरा दुकान में आना, हम आपका फ्री हजामत बनाएगा। देखो जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, तुम इसको जानते हो या नहीं जानते हो? साहब ये फोटो वाला आदमी को देख के तो ऐसा लगता है ये 5 महीना 24 घंटे तक इस दाढ़ी मुच्छी नहीं बनाया। अगर हमारे पास आता ना तो हम इसको इसका मापक सपाचट करता या टकलो। ये फोटो को देखो जी, ये आदमी को आप जानता नहीं? जब ये खुद नहीं पहचानता तो हम कैसे पहचानेगा साहब? तो मिस्टर सपाचट तुम समझ नहीं रहे हो, ये बहुत डेंजरस आदमी है। इसका नाम है मान सिंह, ये डाकू है, इसने एक औरत का खून किया है और उसके सेवर लेकर भाग गया है। कभी ये आदमी अगर तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे खबर करना, समझे? अच्छा साहब। इंस्पेक्टर क्या बोला? खबर करना, कुछ समझा? समझ गया साहब, हम आपके बारे में उसको खबर करेंगे तो आप मेरा खबर बना के मेरे को उसका अंदर डालेंगे, हम चुप रहेंगे। आज भी तुम काम के हो, लो हम तुम्हें एक तोहफा देते। ये क्या साहब? हीरे का हार, हम इसको बेचकर मेरा गौरी के साथ में शादी करेंगे जी। जल्दी करना। ये भगवान, ये डाकू लोग का दिल दरिया और कान समंदर होता है जी। 2-4 डाकू और भेजना साहब। जेंटलमैन, आप दोनों में से धुलिया कौन है? मेरी बेइज्जती करते हो? मैं धुलिया लगता हूँ, वो गधा सामने बैठा हुक्का पी रहा है। ओह, आई एम सॉरी। इधर आइए डॉक्टर साहब, आप इस गधे के मुंह क्यों लग रहे हैं? यू आर राइट, हमको तुम्हारा मुंह लगना मांगता था। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा बेटी। हाँ? और मेरे वास्ते नहीं, एक बुड्ढा के वास्ते जो 2 घंटे के अंदर मरने वाला है। वो शादी करके अपना विधवा के नाम पे 2 लाख रुपए छोड़ के जाना मांगता है। 2 लाख बीवी के नाम पे या विधवा के नाम पे? तुम गधा हो के आदमी के माफक बात करता है? हा? अरे वो बुड्ढा 2 घंटे में मर जाएगा, फिर वो बीवी विधवा बन जाएगा ना। काश आज मेरा कोई बेटी होता तो हम शादी उसका करा के 2 घंटे के अंदर लखपति बन जाते। लखपति तो मैं भी बन सकता था, लेकिन 2 दिन पहले ही मेरे बेटी की शादी तय होगी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी चलेगी क्या? चुप कर दे, तू क्यों बीच में बकबक कर रहा है? कोई बात नहीं, एक ही बात है। ओके, हम दूसरा छोकरी ढूंढने को जाता। ठहरिए ठहरिए डॉक्टर साहब, वो बुड्ढा बच तो नहीं जाएगा? नो, अब तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम मेरा 5 मिनट बर्बाद किया, अब वो बुड्ढा के मरने में सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट रह गया है। देखो तुम जल्दी करो, मेरे को उसका पोस्टमार्टम भी करने का, जल्दी। मंजूर 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 है। गौरी, परसों तुम्हारे होने वाले ससुराल से शादी का जुड़ा आया है, वो जल्दी पहन लो। 1 घंटा 55 मिनट में हम लखपति बन जाएंगे। उसमें भी 2 मिनट 15 सेकंड कमती हो गया। गौरी कम ऑन, हरी आप जल्दी। कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बुड्ढा शादी नहीं करूंगी। गौरी जल्दबाजी मत करो, आँख को खोलो, समझने का कोशिश करो, अपना हाथ से अपने पैर पे खुलाड़ी मत मारो। मेरा ये हाथ इस बुड्ढे को उस बुड्ढे को काटने के लिए ये हाथ ऐसा थड़प रहा है जैसे कोई हजाम का हाथ दाढ़ी काटने को थड़पता है, समझे? अरे मैं गौरी को समझाता हूँ, वो मेरी बात नहीं टालेगी। ठीक है बाबा, अगर तुम चाहते हो कि मैं 2 घंटे में ही सुहागन से विधवा बन जाऊँ तो मुझे मंजूर है। पधारिए पधारिए, देखो केनिया आ गया। केनिया नहीं, अजूर कन्या कहिए। वो एक ही बात है। धुलिया,
तुम तुम्हारा छोकरी को लेके अंगार के पास बैठो। हम पुरोहित को लेके जाता है अंदर और तुम्हारा होने वाला दामाद को अंदर लेके जाता है। क्या? अंदर नहीं, बाहर लेके जाता। कम ऑन पुरोहित। गौरी, डेढ़ घंटे के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। आइए दुलिया जी, अपने होने वाले दामाद को देख लीजिए। बेटी बैठो, मैं 2 लाख देख के आता हूँ। हरिओम। आइए। हरिओम। सेठ जी आंखें खोलिए। अरे खोल के क्या करूं? कन्या आ गई। आई? देखो, अरे ये तो बड़ी खूबसूरत लौंडिया है, लेकिन इसके मुंह पे ये काला काला क्या है? सेठ जी, ये कन्या नहीं है, कन्या जी के पिता हैं, आपके होने वाले ससुर। ऐसा ऐसा तो प्रणाम ससुर जी, माफ करना, उम्र के साथ साथ नखरे भी जा रही हैं। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर इनकी चीर फाड़ का इंतजाम करने गया है। पूरे 1.25 घंटे बाकी रह गए जी। यमदूत सराने खड़ा है, जल्दी करो। अच्छा, मैं इसको संभालू। मैं भी जाता इंतजाम करने, आप इन्हें लेके आइए। मेरी एक शर्त है, शादी के पहले 2 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। 2 लाख? हाँ। तुम्हारे 2 लाख मेरे पास हैं बेटा। बेटा? बेटा नहीं बाप, बाप नहीं ससुर। मेरे नीचे है, गर्म करके रखा हूँ, निकाल लो। लेकिन ससुर जी, मेरी भी एक शर्त है। क्या? जब तक प्राण न निकले। कौन सा प्राण? पहले माला प्राण नहीं ससुर जी, जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक तुम ये बक्सा नहीं खोल सकते। अगर खोलोगे तो मैं भूत बन के तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे घूमता रहूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाता हूँ कहाँ? अब मेरे में ताकत कहाँ है कि 7 फेरे पूरे लूं? सिर्फ एक ही फेरा ले सकता हूँ, बाकी 6 तो तुम पर चढ़ के करूंगा। 2 लाख मुफ्त में थोड़ी दे रहा हूँ। अच्छा, मेरे बाप? बाप? नहीं बेटा। बेटा? नहीं, मेरे जवाई। हाँ जवाई, उठाओ। हे राम। सत्य है। हे राम। सत्य है। गैस लेकर आओ, मैं तो 1/2 घंटा पहले चला जाऊंगा। पंडित जी, हुकुम करो, जल्दी कीजिए। सब काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कन्या भगवान का नाम लेके उठ जाओ, तुम्हारा बार आ गया। आओ महाशय जी, मैं श्लोक बोलता जाऊंगा और तुम इस पवित्र अग्नि के आगे 7 फेरी लगाना बेटे। चल दूल्हा आगे। जल्दी पंडित जी, जल्दी। मुझे ऐसा लगता है मैं 1/2 घंटा पहले जाऊंगा। अच्छा होगा, 2 लाख रुपए जल्दी मिल जाएंगे। आप आगे हो जाए, कन्या को पीछे कर ले। चरण को अग्नि से संभालो। ससुर जी, हेलो हेलो। अब 7वां फेरा मैं खुद लूंगा, क्योंकि नहीं तो आपकी भी शादी मेरे साथ हो जाएगी। मेरा गैस का सिलेंडर कहाँ है? दिखाई नहीं देता। अरे कोई बात नहीं, अब भी है, अब भी बाकी है। गौरी संभालो, भारी है। सत्य है, नहीं जा रहा है, लेकिन चलूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा ससुर जी, अब भी जवानी बाकी है, मटके फूट रहे हैं। हे राम। हेलो। हाँ जी, अब तुम दोनों पति पत्नी हो गए। बेटी सदा सुहागन रहो। दिखाई नहीं दे रहा सर जी। आगे इनको हार पहना रहा हूँ। उधर उधर मुबारक। चलो प्यारी। हाँ, प्यारी नहीं, प्यारी उधर। ठीक है, बाप नहीं तो बेटी। चलो प्यारी, सुहागरात मनाए। दिन में सुहागरात। देखो बेटा, बेटा नहीं मेरे बाप, बाप नहीं मेरे ससुर। मेरी उम्र के लिहाज से तो दिन रात एक ही है। चलो प्यारी, चलो। ठहरो बेटी। बाबा, अब मैं कैसे ठहर सकती हूँ? तुमने मेरे 7 फेरे जो इनके साथ करा दिए हैं, अब तो यही मेरे सब कुछ है। चलो प्राणनाथ। क्या कहा? प्रेमनाथ? प्राणनाथ।
चलो चलो पहले बाबा के पाँव नहीं छुओगे? जरूर छुएंगे। अरे ये तो मेरे हैं। तो बाप क्या कहा है? भगवान करे तुझे आधा घंटा पहले ही मौत आ जाए। चलो पहले कमलाख दरबारा मन्ना देगा गौरी हम कबाब में से हड्डी को कहीं तक निकाला जी आओ स्वागत मनाएंगे। क्या बोल रहे हो बाबा बाहर बैठे? या बाप बाहर नहीं बैठेगा तो क्या अंदर बैठेगा? तुम आ जाओ जी मेरे हाथ में। ये क्या पैर को जी पैर को ये भी पैर को आ जाओ जी तुम आ जाओ। उठो धोखा नहीं नहीं चेक लगता है। चेक देखिए पढ़िए कितने का है 2 लाख 2 लाख। हाँ है तो 2 लाख का लेकिन है कंगाल बैंक का। गोपाल बैंक? गोपाल बैंक नहीं कंगाल बैंक। कंगाल बैंक हाँ और इसमें लिखा है। क्या लिखा है? ससुर जी प्रणाम सपाचट आपका जवाई सपाचट।